किया है टाइगर ने पहली बार। शूट से छुट्टी मिलते ही कहां पहुंचे टाइगर? शूटिंग खत्म होने के बाद क्या है टाइगर का प्लान? सो वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। हेलो दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ अपनी एक्टिंग करियर के साथ साथ फिटनेस और एक्शन के लिए जाने जाते हैं। खास तौर पर उन्हें डांस के लिए भी पहचाना जाता है, जिन्होंने अब तक कई फिल्मों में बेहतरीन डांस और हीरोपंती दिखाकर ऑडियंस के बीच में अपनी खास जगह बना ली है। एक्टर टाइगर वैसे तो कई प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन अभी वो अपनी अपकमिंग फिल्म गणपत की शूटिंग में बिजी हैं। और इस बिजी शेड्यूल में भी वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर पोस्ट शेयर करना कभी नहीं भूलते हैं। वहीं जैसे ही टाइगर श्रॉफ को फिल्म गणपत की शूटिंग से छुट्टी मिली तो वो पहुंच गए आइस स्केटिंग करने, जहां वो बिल्कुल मस्ती के मूड में दिखे। टाइगर का ये अनोखा अंदाज सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, जो वायरल भी हो रहा है। हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू ऐप पर इस वीडियो को शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में वह पहली बार आइस स्केटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वह ब्लैक कलर के ब्लेजर में नजर आए। इस पोस्ट को शेयर करते हुए एक्टर ने अपने कैप्शन में लिखा, स्केटिंग पहली बार के हिसाब से बिल्कुल बुरी नहीं है। टाइगर श्रॉफ के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है, जिसे देख लोग तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। वैसे फिल्म गणपत का यूके शेड्यूल बस खत्म ही होने वाला है, जिसमें कृति सानन ने तो अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ही ली है। अब बस टाइगर के हिस्से की शूटिंग खत्म होने का इंतजार है। यूके शेड्यूल की शूटिंग खत्म होने के बाद टाइगर अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें फिल्म गणपत की, तो विकास बहल के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में एक्टर टाइगर श्रॉफ के साथ एक्ट्रेस कृति सानन अहम किरदार में नजर आने वाली है। फिल्म में कृति जस्सी के किरदार में नजर आएंगी। टाइगर और कृति सानन की इस फिल्म का प्रोडक्शन पूजा एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया जा रहा है। इस एक्शन ड्रामा फिल्म को अगले साल 2022 में क्रिसमस के मौके पर रिलीज किया जाएगा। वहीं इस जोड़ी को टाइगर की डेब्यू फिल्म में हीरोपंती में देखा गया था। इसमें दोनों की केमिस्ट्री को उनके फैंस ने खूब पसंद किया था। तो आप लोग बताएं कि क्या आपने देखा टाइगर को मस्ती करते हुए? आप लोग अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही कुछ और नई फिल्मों की अपडेट्स जानने के लिए फॉलो करें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।